CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए चलते हैं कक्षा एक की ध्वनि शाला में। किताब इब्तिदाई उर्दू, जमात एक, सबक एक। बच्चों, आपने कहानी सुनी होगी, किस्सा सुना होगा, बड़ा मजा आता है, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें भी होती हैं। आइए हम आपको एक किस्सा सुनाते। ये हकीकी वाक्या है। 1320 या 1325 के दरमियान, यानी आज से 700 साल पहले, जब हमारे मुल्क पर सल्तनत हुकूमत कायम थी, उस सल्तनत हुकूमत का एक बादशाह था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक बहुत कम वक्त के लिए बादशाह रहा, लेकिन उसने बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए। एक मर्तबा उसको किसी मुहिम पर बंगाल का सफ़र करना पड़ा। जब वो बंगाल में था तो यहाँ पीछे उसका बेटा, जो ख्वाजा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह का बहुत बड़ा अकीदतमंद था, उनके हुजूर में बराबर हाजिर रहता था। तो यूं ही आलम वजद में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि जा, हमने तुझे सल्तनत बख्श दी। इससे मतलब ये कि हमने तुझे दिल्ली की सल्तनत दे दी। ये खबर बंगाल में मौजूद गयासुद्दीन तुगलक को हुई। वो थोड़ा नाराज़ हुआ और जो कासिद, यानी जो पैगाम लेकर आया था, उसको उसके हाथ फिर उन्होंने पैगाम भिजवाया कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से कहिए कि वो मेरे दिल्ली आने से पहले दिल्ली छोड़कर चले जाएं। कासिद पैगाम लेकर हाजिर हुआ और उनके सामने बादशाह का पैगाम सुनाया। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हनूज दिल्ली दूरस्त, दूर है। फिर हुआ यूं कि वो दिल्ली के करीब तक पहुंच गया। कौन? गयासुद्दीन तुगलक वापस लौटा और दिल्ली के करीब तक पहुंच गया। लेकिन दिल्ली के करीब पहुंचकर उसने क़याम किया और जो इमारत बनाई गई थी उसके ठहरने की, वहां पर रात के वक्त जो है वो गिर गई और गिरकर उसमें दब कर वो मर गया। तब से ये वाक़या मशहूर हो गया, ये जुमला मशहूर हो गया, अभी दिल्ली दूर है। इसलिए हम लोग जब भी बात करते हैं और कहते हैं कि ये इस अंजाम तक पहुंच रहा है, इसकी ये सूरत होगी, तो हम यही कहते हैं कि अभी दिल्ली दूर है। अभी, अभी, आपने इसमें एक लफ्ज़ देखा, अभी दिल्ली दूर है। तो ये इस तरह का अगर हम कोई वाक़या सुनते हैं तो उस पर हम गौर करें कि इसमें कितनी अलग अलग आवाज़ें शामिल हैं। अ की आवाज़ कहाँ पर आ रही है, ब की आवाज़ कहाँ आ रही है, या दूसरी अलग अलग आवाज़ें कौन सी हैं। हम इस वक्त बात करेंगे अ की आवाज़ के बारे में। हम जो कुछ बोलते हैं वो अलग अलग आवाज़ों की शक्ल में ज़ाहिर होता है, और ये आवाज़ें जब आपस में मिलती हैं तो बामानी लफ्ज़ बनते हैं, यानी अल्फाज जिसको हम कहते हैं, लफ्ज़ों का मजमूआ। और जब लफ्ज़ मिलते हैं आपस में तो जुमला बनता है, फिर हम जिससे जो बात कह रहे होते हैं वो बात उसको समझ में आ जाती, या वो जो बात कह रहा होता है वो हमें समझ में आती है। ये तो रही बोलचाल की बात। हम लोग आपस में बात करते हैं, किस्से सुनते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, अपनी ज़रूरत की बातें करते हैं, जो सामान हमें चाहिए हम उसकी दरख्वास्त करते हैं, किसी को पैगाम भेजते हैं, ये तमाम चीज़ें होती। लेकिन जब हम लिखने की तरफ आते हैं तो बताओ किस तरह से जो है हम आवाज़ को तहरीर करेंगे, यानी लिखेंगे। ज़रूरी है कि हम उस आवाज़ की कोई शक्ल बनाएं।
और वो जो शक्ल होती है वो कहलाती है हर्फ। क्या कहलाती है? हर्फ कहलाती है। और ये हर्फ जो है आपस में जब मिलते हैं और इन हर्फों की शक्ल मिल करके जो लफ्ज़ बनाते हैं और वो लफ्ज़ कोई ना कोई मानी जाहिर करता है, और जब पूरी बात कहनी होती है तो फिर हमें वो लफ्ज़ को मिला करके जुमले बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम आवाज़ की बात करते हैं। अ की आवाज़ सबसे पहले आई। आपने खड़ी लकीर देखी है, यानी खड़ी लकीर से मुराद हमारी जो ऊपर से नीचे की तरफ खींची गई है, देखी है ना। इस तरह की क्या क्या शक्लें हो सकती हैं? आपका कलम, अगर उसको आप खड़ा करें तो वो भी एक शक्ल है खड़ी लकीर की। पानी की बोतल हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो खड़ी सूरत में है, तो वो उसकी शक्ल जो है वो खड़ी लकीर की तरह होती है। आप अपने इस सबक में देख रहे हैं कि खड़ी लकीर से एक निशान बना हुआ है। ये निशान जो है इसको हम कहते हैं अलिफ। अलिफ यानी ये निशान इस बात का सबूत है या इस बात को जाहिर करता है कि जब ये निशान हमें नजर आएगा तो हम इसकी आवाज अ अदा करेंगे। अ नाम इसका अलिफ। लिखने का तरीका ऊपर से नीचे की जानिब, यानी खड़ी लकीर जिसको हम कहते हैं, तो ये अलिफ है। अलिफ से कौन कौन सी अल्फाज हो सकते या चीजों के नाम हो सकते हैं, यानी अलिफ तो आवाज, अलिफ की आवाज जो है वो अ है। अ आवाज से कौन कौन से कौन कौन सी चीजों के नाम हो सकते हैं, जैसे अनार, बिल्कुल ठीक है, अंगूर, आम, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, आलू है ना। तो ये जो नाम है, यानी आ की आवाज आई, फिर न की आवाज आई, फिर अ की आवाज आई, फिर र की आवाज आई, तब जाकर ये एक पूरे किसी चीज का नाम बना। अनार, अ न अ र, अनार। तो आप इसको सबसे पहला हर्फ जो देखते हैं वो है अलिफ। अलिफ इस बात की गवाही देता है कि इसकी आवाज अ अदा होगी। हर जबान में आवाज के लिए अलग अलग अलामतें होती, यानी निशान होते हैं। वो निशान उनके लिए मुकर्रर होते हैं, यानी तय होते हैं कि ये निशान इस आवाज के लिए होगा। दिलचस्प बात आपको बताऊं कि अलिफ पूरा नाम है, अलिफ के माने भी हैं। अगर हम तारीख के सफात में देखें, यानी पीछे की तारीख का जब हम मुताला करें, तो हम पाते हैं कि अलिफ जो है वो इब्रानी जबान का लफ्ज़ है। पहले ज़माने की बात है, कई सौ सदियों पहले की बात, जो कबीले हुआ करते थे उसमें अलिफ के माने होते थे आधा, यानी बैल का सर। क्योंकि उस कबीले में बहुत ही मुबारक माना जाता था, इसलिए वो अपने घरों में भी उस सर की जो शक्ल होती थी उसको ज़रूर रखते थे। आप देखें एक शक्ल बना करके फिर उसका आधा हिस्सा करें, यानी शॉर्ट फॉर्म करें, तो आपको वो शक्ल नज़र आएगी जो अलिफ के मुशाबे होगी।
धीरे 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 दूसरी लकीरें कम होती गईं और अब हम सिर्फ खड़ी लकीर की शक्ल में इसको रखते हैं। लिहाजा जब भी हरूफ़ तहज्जी तरतीब दी गई, यानी इन आवाज़ों को एक निज़ाम के तहत तरतीब दिया गया और इनके हरूफ को एक सीक्वेंस देकर रखा गया, एक तरतीब दी गई, तब ये अलिफ को सबसे पहले रखा गया। उसकी वजह यही है। फिर ये सिलसिला चलता रहा, इब्रानी ज़बान से और दूसरी ज़बानों में मुंतकिल हुआ, फिर अरबी ज़बान में, अरबी से फ़ारसी ज़बान में, और फिर ये इस तरह से होते होते उर्दू में जब हरूफ तहज्जी लिखे गए तो उसमें ये शामिल है। तो इस तरह से आपने देखा कि अलिफ कितना खूबसूरत हर्फ है और ये किस चीज़ की आवाज़, किस आवाज़ की अदायगी करता है, अ की। अब अगर हम ये कहें कि अ की आवाज़ तो अलिफ से अदा होती है, लेकिन अगर इसी अ की आवाज़ को हम खींच कर पढ़ें आ, तो हमें क्या करना होगा, दो अलिफ लिखने पड़ेंगे। तो दो अलिफ अगर हम लिखेंगे तो हमें आगे जब हम चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमें दुश्वारी महसूस होगी। ऐसी सूरत में हम अलिफ के ऊपर एक निशान लगाते हैं, एक अलामत जिसको कहते हैं, अलामत लगाते हैं, और ये जो निशान है वो मद कहलाता है, मद का निशान कहलाता है। तो अलिफ मद यानी अ, हम कहते हैं ना आंख, आलू, आओ, आना, आमीन। इसमें आपने देखा कि पहली जो आवाज है वो अ की आवाज से कदरे लंबी आवाज है, यानी खींच कर अदा की गई है। दो आ मिलकर वहां पर उस आवाज को अदा कर रहे हैं। तो ये अलिफ मद है, एक है अलिफ और एक अलिफ मद, ये दोनों जो हैं वो अ की और अ की आवाज की अदायगी के लिए मखसूस है, यानी ये अलामत है उस आवाज की अदा करने की, यानी उसकी शक्ल क्या होगी ये सिर्फ इसके जरिए मालूम होता है। इसलिए अब आइए बात करते हैं कि कुछ अल्फाज इससे जुड़े हुए हो सकते हैं। जैसे आपके सामने एक हर्फ है जिसको कहते हैं आना, आब। आब के माने क्या है, आब यानी पानी, पानी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आब। चलिए एक और मज़ेदार किस्सा आपको सुनाते हैं। एक आदमी अपने गांव से पढ़ने के लिए किसी दूसरी जगह गया, यानी जहां पर उसको आला तालीम मिल सके। तो वो आला तालीम हासिल करने के लिए दूसरे गांव या दूसरे शहर चला गया और वहां उसने तालीम हासिल की, बहुत आलिम हो गया। फिर वो अपने गांव वापस आया, गांव वापस आया, जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन वो अक्सर व बेशतर अल्फाज इस्तेमाल करता था या ऐसी बातें कहता था जो गांव के लोगों को या जो उसके आसपास जो रिश्तेदार वगैरह थे उनको समझ में नहीं आते थे। तो उससे पूछ लिया करते थे उसका मकसद क्या है, बता भी देता था बेचारा। इस तरह जिंदगी गुजरती रही। एक मरतबा वो बहुत बीमार हुआ, बीमार हुआ तो बचने की कोई उम्मीद ना रही, यानी बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया। वैसी सूरत में उसको प्यास लगी, घर के सारे लोग उसको चारों तरफ से घेरे हुए थे कि किसी तरह से ठीक हो जाए, दुआ कर रहे थे। उस शख्स को बहुत प्यास लग रही थी और प्यास लग रही थी तो
उसने पीने के लिए पानी मांगा। पानी के लिए वो आप ही कहता रहा, आप। अब जो आसपास तमाम लोग थे उनको समझ में ही नहीं आया कि ये आप क्या है। नतीजा ये हुआ कि वो शख्स मर गया। के बाद बहुत दिनों के बाद कि उसी गांव में कोई एक दूसरे आलिम पहुंचे। उन्होंने अपने दोस्त के बारे में मालूम किया तो लोगों ने बताया कि नहीं, उनका तो इंतकाल हो गया। पर एक बात मुझे बताइए कि वो मरते वक्त आप पुकार रहे थे, ये आप क्या था? हमने तो बहुत सारी चीज़ें उनके सामने लाकर रखी, बहुत सारी चीज़ें बताई, दिखाई उनको, लेकिन वो आप ही कहते रहे। तो बोले, अरे आप के माने होते हैं पानी के। तो बोले, अरे वो तो सर के पास ही रखा था, वो तो वहीं पर रखा हुआ था, हमें क्या पता था। तब से ये मुहावरा बना, आप करके मर गए, सरहाने धरा पानी। उसी से ये जुमला मालूम हुआ, आप करके मर गए, सरहाने धरा पानी। क्या था? आप करके मर गए, सरहाने धरा पानी। तो ये जो आप है, इसमें कौन सी आवाज आ रही है? शुरू में अलिफ मद की आवाज आ रही, यानी अ की आवाज आ रही। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो हम अलिफ लिखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, फिर हम मद का निशान अलिफ के ठीक ऊपर लगाएंगे। ये देखिए, दाहिने से बाएं की जानिब, आप देख रहे हैं, ये किताब में तीरों की मदद से ये जाहिर किया गया है कि पहले अलिफ को आप ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे, फिर मद लिखने के लिए उस अलिफ के ऊपर दाहिने हाथ से बाएं की जानिब आप लिखेंगे, यानी दाएं से बाएं की जानिब। तो ये अलिफ और अलिफ मद की बात है। अच्छा, अब आप हमें कुछ चीजों के नाम बताइए या सामान का नाम बताइए, चाहे वो कोई सामान हो, कोई फल हो, कोई सब्जी हो, कुछ भी जिसमें अ की आवाज जो है शुरू में आती हो, यानी जो अलिफ से शुरू होता या अ की आवाज अलिफ मद से शुरू होने वाले। पहले फलों के नाम बताइए, अंगूर, अनार, अमरूद, अ की आवाज से आम, आड़ू, सब्जी के नाम आलू, गुट। अब इनके अलावा कोई नाम आपको, अम्मी, अब्बू, अहमद, अजीत, अल्लाह। अगर आ से पूछे तो आ से आदाब, आओ, आए, आना। अगर हम अल्फाज को मिलाकर जुमले बनाए तो अभी अब्बू आए, अभी अब्बू आए,
अंगूर लाए। अम्मी भी आईं, वो अनार लाईं। अब्बू आदाब, अम्मी आदाब, आदाब। आओ अहमद आओ, अंगूर खाओ, अनार खाओ, आम खाओ, आड़ू भी खाओ। इसी तरह से आप और जुमले बना सकते हैं और अल्फाज तलाश कीजिए। अपने दोस्तों से बात कीजिए जो आपके बहुत ही करीबी दोस्त हैं, आपके स्कूल में, आपकी क्लास में होंगे ना, है ना? अच्छा दोस्त कौन है, आप उससे बात कीजिए। आ की आवाज और आ की आवाज से शुरू होने वाले कौन कौन सी चीज़ों के नाम हो सकते हैं, जगह के नाम भी हो सकते हैं या सामान का नाम भी हो सकता है। अपने उस्ताद से भी बात कीजिए, अपने टीचर से बात कीजिए और इस तरह से आप और जुमले बनाइए। साथ ही आप अलिफ को लिखिए। लिखने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे की जानिब एक खड़ी लकीर खींचनी है तो वो अलिफ की शक्ल होगी। और अगर इस अलिफ के ऊपर मद लगाएंगे यानी मद की अलामत लगाएंगे तो वो आ हो जाएगा। अलिफ मद, यानी पहले अलिफ को ऊपर से नीचे की जानिब लिखा और फिर मद ठीक अलिफ के ऊपर लिखने के लिए हम दाएं से बाएं जानिब लिखते हैं। इस तरह से ये आपकी किताब में तीरों के जरिए जाहिर किया गया है। तो बच्चों, आज हमने अलिफ और अलिफ मद के बारे में जाना। अलिफ नाम है, उसकी आवाज अ है और उसकी शक्ल खड़ी लकीर सी होती है, खड़ी लकीर की तरह। अलिफ मद, खड़ी लकीर और उसके ऊपर ये मद की अलामत, अलिफ मद। तो इस तरह से हमने इस हर्फ के बारे में जाना। उम्मीद है आप इसको भूलेंगे नहीं और इसकी लिखने की भी मशक करेंगे। अपने साथियों से इसके बारे में और चीज़ों के नामों के बारे में भी बात करेंगे, जुमलों में कैसे इसको कहेंगे वो भी बात करेंगे। जैसे आप आओ, अब आओ, अब मत आना। इस तरह से आप जुमले भी बना सकते हैं और अल्फाज भी तलाश कर सकते हैं। तो इसको आप जुबानी मश्क कीजिए और जबानी मश्क में ख्याल रहे कि अ की आवाज किस तरह अदा करेंगे, उसको किस तरह से लिखेंगे। तो आप इसको ज़हन-नशीन कर लीजिए कि अलिफ की शक्ल ये होती है, अलिफ और अलिफ मत। यह सबक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। शुक्रिया साथियों। अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता। ध्वनियांकन शानू मुक्सीम और विकास सांगवान। निर्माण वंदना अरिमर्दन। तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।